अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब तो वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे रहे हैं आप सबके रमज़ान और को कंटिन्यू करने गुण से गुण पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें इससे मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए स्टोरीज और रील्स शेयर करती रहती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि शहरी का टाइम है और कल जो व्लॉग था अवतारी का तो वहाँ से भाभी ने वो जो चीज़ें दे दी थी बस हम लोगों ने उन्हीं से ब, आ, सहरी कर ली थी बस मैंने बना लिए थे पराठे और अलहमद से हमारी ये शहरी हो गई थी और और शहरी में बंदा एक चेंज क्या लेके आया शहरी में तो पराठे मस्त हैं और सबके घर पर ज़रूर पराठे ही बनते होंगे देखें ये सारा इसने सारा दिया और जब मैंने देखा तो ये चेक करें अनाया अब आप रो रही हो गंदे काम करके अनाया ये क्यों किया अब मम्मा को सारे आपके हैंड वॉश कराने पड़ेंगे सारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे कितनी गंदी बच्ची है ना मिनाहिल मैं इसलिए कह रही थी कि खाना टाइम से खा लो खाना खा लो वो देखो क्या उसने किया सुबह हो गई है सुबह हो गई है वाह मिनाहिल मिनाहिल आप जाओ मेरा बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ जी हाँ जी थोड़ा अच्छा थकी होगी ना सो सो के इतने शाले काम जो किया आपने है ना है ना नायनूर आपको भी थोड़ा सा अच्छा, ऐसे अच्छा 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 और सुना और सुना फिर भी ना रात को किस दिन सो देखो नायनूर देखो माशाल्लाह फ्रेश उठी है इश ने भी होश होना योटी तंग करने के लिए अफ्तारी के टाइम अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ममा ऐसे करती है ऐसे जी तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मॉर्निंग मेरे बच्चों से स्टार्ट होती है और सेम ऐसी ही होती है जी और बस यहाँ पे इनको मैं उठा रही थी ताकि अभी उठे थोड़ी फ्रेश हो उनको मैं खाना छाना खिलाऊं उसके बाद फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी करनी थी आज कोई इफ्तारी में ना आ, कोई चेंज नहीं था बस वही नॉर्मल सी चीज़ें पकौड़े वगैरह थे और चावल वगैरह थे बस ये सब चीज़ें थी तो क्योंकि कल जो जफ्तारी कराए उसकी थकावटें भी बहुत ज़्यादा थी और कल संडे है तो कल कुछ इन मज़े की चीज़ें होंगी पी 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 पी। <laughs> तो हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया पकोड़े बनाने की तैयारी और ना आज बल्कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोल लगाया कि कौन कौन बोर हो गया पकोड़े खा खा के आया। आया। क्या हो क्या कर हो जी तो मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ पकौड़े खा खा के क्योंकि मुझे अब ज़रा मजा नहीं आता पकोड़े खाने में क्योंकि रोज आना रोज रोजाना खा खा के मैं थक गई हूँ लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना कि ज़रूरी भी होती है अगर ये ना होना तो जैसे खाना ना खाली खाली लगता है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ हो या ना हो रोटी और पकौड़े तो हों ले आइयो ओरियो कब से कह रही थी मैंने ओरियो खाना है अच्छा अब इसमें से ना आया वो क्या दोगी ये खोल के क्या दोगी ये ये दोगी अच्छा अपना ड्रेस दिखाओ सही इतना इधर आओ बाबा क्या लेके आए बाबा ना आए थे आज दूदू हम दो एक देखना दूध जी तो यहाँ पे आ गए थे बच्चों के दूध बस अब मैं इनको बॉईल करूंगी साथ में मैं, मैंने अपने लिए और पर मंगवाया था और मैं स्ट्रॉबे एक ना आ, शौक से पीती हूँ मेरे हस्बैंड हसबैंड पीते तो मैंने कहा चलो कम अज कम मैं तो बना के भी हूँ ना और फिर बस यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ अच्छा रोटियाँ अफ्तारी में मेरी मस्त होती है क्योंकि हम लोग ना पकड़ों के साथ खाते हैं बेशक सालन भी हों लेकिन फिर के साथ टाइम भी पास है और बस मैंने काम वगैरह कर लिए है और ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने चावल निकाल के रख दिए हैं इनको माइक्रो में गर्म करूँगी और ये बाकी की चीज़ें चाट वगैरह कैचअ ये वो और बस आप पकौड़े बनाते हैं और थोड़े मिक्सचर बना के मैंने रखा हुआ है और अब मैं डालूंगी इसको कराएंगे बस हमारे क्रिस्पी पकौड़ा बन के बिल्कुल रेडी हैं और ये देखिए और ये जो मैं कहती हूँ ना ये मिक्स वाले पकौड़े ये देखिए आप कितने क्रिस्पी हैं ये देखें वॉइस भी आ रही उसकी ये बहुत क्रिस्पी बन के लेडी होते हैं और नीचे पता नहीं कौन आया है शायद और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उसमें मेरे दिल से यही निकला था कि क्या पता कोई कुछ देने ना आया हो हफ्तारी के टाइम तो वही बात हुई हफ्तारी के टाइम ये मेरा कज़न था वो आया था चावल लेके मेरी मामू का बेटा और वो चावल दे गया इतने मज़े के थे ना यकीन माने मेरी मामानी के घर से आए थे मामानी का ब्लॉग देख रहे थे बहुत जम्मी थे बहुत और बस यहाँ पर दस्तर खान मैंने अपना जो था उसे सेट कर लिया था और रोज़ा खुलने में तकरीबन पाँच मिनट ही रह गए थे तो उससे पहले मैंने कहा फटाफट मैं रिकॉर्ड कर लूँ जो भी मेरा माशा से दस्तर खान पर था और ये चाट इतने मज़े की थी ना कल तो मैं ये खा नहीं सकी क्योंकि चीज़ें भी थी और मैं थक भी गई थी तो ये आज की रफ्तारी में इनशाला इसको मैंने ना फिनिश करना सारा का सारा तो इन इनशाला हो भी जाएगी तो बस ये अलमदुल्लू मेरा ब्लॉग था उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे अच्छा लगे तो मेरे ल, जो व्लाग्स हैं उनको लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दिया करें उससे मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पे कहीं पे भी मैं उसका पेज आपको मेंशन भी कर दूंगी और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक लगा दूंगी तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं जी तो यहाँ भी हो गया था अफार का टाइम और आज हमारी रफ्तारी में ना खंजूर नहीं थी जो कि खत्म हो गई थी मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं मंगवा लेती क्योंकि दो दिन से रफ्तारी बाहर ही कर रही हूँ ना तो बिल्कुल माइंड से निकल गया था तो यहाँ पर बस बच्चे अब दुआ कर रहे हैं और बस अफ्तारी का टाइम हो गया था तो मिनाह भी माशा कर करें क्योंकि जो देखते हैं बच्चे सीखते हैं तो ये मेरा व्लॉग था उम्मीद करते हो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में मुझे दे जाता तब तक के लिए हाफ़